हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा चेप्रसादा के रूप में है अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में है लीना कलावती के रूप में है कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में है विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की याद राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। OTT प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 1-2-3 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और
पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है, जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शेली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शेली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जय प्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में है लीना, कलावती के रूप में है कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में है, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है, तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। ओटीटी प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 123 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है।
शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जय प्रसादा के रूप में है अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में है लीना, कलावती के रूप में है कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में है, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। ओटीटी प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 1-2-3 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशिया नेट न्यूज़ द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है
मनीष, ऋषि, शैली, किशोर, सावित्री, बाली और गुमटी की माँ के रूप में हैं। बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जयप्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में हैं लीना, कलावती के रूप में हैं कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में हैं, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। ओटीटी प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 1-2-3 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष, ऋषि, शैली, किशोर, सावित्री, बाली और गुमटी की माँ के रूप में है। बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जयप्रसादा के रूप में है अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में है लीना, कलावती के रूप में है कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में है
विजय कुमार के रूप में, नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। ओटीटी प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 1-2-3 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जयप्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में हैं लीना, कलावती के रूप में हैं कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में हैं, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के
उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। ओटीटी प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 123 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति हैं, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जय प्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में हैं लीना, कलावती के रूप में हैं कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में हैं, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें
राय दीजिए। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। OTT प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था, कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 1-2-3 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति हैं, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जयप्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में है लीना, कलावती के रूप में है कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में है, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। OTT प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा
इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 1-2-3 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज़ द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा चे प्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में हैं लीना, कलावती के रूप में हैं कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में हैं, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की याद राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। ओटीटी प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 1-2-3 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है
और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशिया नेट न्यूज़ द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्नम, रवि काले और शेली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शेली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जय प्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में हैं लीना, कलावती के रूप में हैं कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में हैं, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। ओटीटी प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 1-2-3 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशिया नेट न्यूज़ द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा
निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जयप्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में है लीना, कलावती के रूप में हैं कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में हैं, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की याद राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। ओटीटी प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 1-2-3 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है
बाली के भाई गुमटी के रूप में, जाफर सादिक बाली की बहन, जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जयप्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में है लीना, कलावती के रूप में है कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में है, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। ओटीटी प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 123 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति हैं, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जयप्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में है लीना, कलावती के रूप में है कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में है, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में
दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। ओटीटी प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 1-2-3 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जय प्रसादा के रूप में है अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में है लीना, कलावती के रूप में है कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में है, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। OTT प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 1-2-3 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज़ द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जय प्रसादा के रूप में है अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में है लीना, कलावती के रूप में है कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में है, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने
5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। OTT प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था, कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 123 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज़ द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है, जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्नम, रवि काले और शेली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शेली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा चे प्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में हैं लीना, कलावती के रूप में हैं कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में हैं, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसे तरह की याद राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है, तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। OTT प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था, कि इस तरह के हिंसक शो और
डार्क कॉमिक कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 123 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जयप्रसादा के रूप में है अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में है लीना, कलावती के रूप में है कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में है, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की याद राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। ओटीटी प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कॉमिक कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 123 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा
हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शेली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जय प्रसादा के रूप में है अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में है लीना, कलावती के रूप में है कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में है, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की याद राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। OTT प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 123 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति हैं, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक,
कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शेली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में हैं। बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जयप्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में हैं लीना, कलावती के रूप में हैं कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में हैं, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की याद राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। OTT प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 123 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शेली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में हैं। बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा,
युवा चेप प्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में हैं लीना, कलावती के रूप में हैं कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में हैं, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। OTT प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 1-2-3 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स इनाडू एशियानेट न्यूज़ द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा देवयानी शर्मा जाफर सादिक कामाक्षी भास्करला लेना मणिकंदन के मनीष ऋषि नितिन प्रसन्ना रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि शैली किशोर सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा युवा चेप प्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा मेरी जोसेफ के रूप में हैं लीना कलावती के रूप में हैं कामाक्षी भास्करला के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में हैं विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ
और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। OTT प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 1-2-3 टेलीविजन ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज़ द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्नम, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जय प्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में हैं लीना, कलावती के रूप में हैं कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में हैं, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के
क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। ओटीटी प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 1-2-3 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स इनाडू एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा देवयानी शर्मा जाफर सादिक कामाक्षी भास्करला लेना मणिकंदन के मनीष ऋषि नितिन प्रसन्ना रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि शैली किशोर सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा युवा जयप्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा मेरी जोसेफ के रूप में है लीना कलावती के रूप में हैं कामाक्षी भास्करला के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में हैं विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है।
तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। ओटीटी प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 123 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति हैं, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडु, एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा चे प्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में हैं लीना, कलावती के रूप में हैं कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में हैं, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की याद राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। ओटीटी प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 123
तेलुगु नेलिका की यथार्थवादी पृष्ठभूमि ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की माँ के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा चे प्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में हैं लीना, कलावती के रूप में हैं कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में हैं, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की याद राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। ओटीटी प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 1-2-3 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो
श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जय प्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में हैं लीना, कलावती के रूप में हैं कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में हैं, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसे तरंग की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। OTT प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 123 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज़ द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और
शेली, किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष, ऋषि, शेली, किशोर, सावित्री, बाली और गुमटी की माँ के रूप में है। बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जय प्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में है लीना, कलावती के रूप में है कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में है, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। ओटीटी प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 123 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज़ द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शेली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष, ऋषि, शेली, किशोर, सावित्री, बाली और गुमटी की माँ के रूप में है। बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जय प्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में है लीना, कलावती के रूप में है
कामाक्षी भास्करला के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में हैं। विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। OTT प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 1-2-3 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शेली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जयप्रसादा के रूप में है अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में है लीना, कलावती के रूप में है कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में है विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि
अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। OTT प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 1-2-3 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जयप्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में हैं लीना, कलावती के रूप में हैं कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में हैं, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश
जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। ओटीटी प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था, कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 1-2-3 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति हैं, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में हैं बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा चेप प्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में हैं लीना, कलावती के रूप में हैं कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में हैं, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। ओटीटी प्ले ने
मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था, कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 123 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति हैं, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज़ द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है, जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जय प्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में है लीना, कलावती के रूप में है कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में है, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की याद राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है, तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। OTT प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था, कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 123 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति हैं,
लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज़ द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, दिव्यानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जय प्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में हैं लीना, कलावती के रूप में हैं कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में हैं, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। ओटीटी प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 123 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज़ द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के
रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जयप्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में हैं लीना कलावती के रूप में हैं कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में हैं, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। ओटीटी प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 1-2-3 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर,
सावित्री, बाली और गुमटी की माँ के रूप में हैं। बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जयप्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में है लीना, कलावती के रूप में है कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में है, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। OTT प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 1-2-3 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की माँ के रूप में है। बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जयप्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में है लीना, कलावती के रूप में है कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में है, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना,
इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। ओटीटी प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 123 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति हैं, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शेली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शेली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जय प्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में है लीना, कलावती के रूप में है कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में है, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए
दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। OTT प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 123 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति हैं, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जयप्रसादा के रूप में हैं अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में है लीना, कलावती के रूप में है कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में है, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसी तरह की यादें राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और
पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। OTT प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 1-2-3 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि, ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज़ द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। शैतान एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो के रवि कुमार, माही वी राघव द्वारा लिखित और माही वी राघव द्वारा निर्देशित है। इसमें अनिशा दामा, देवयानी शर्मा, जाफर सादिक, कामाक्षी भास्करला, लेना मणिकंदन के, मनीष ऋषि, नितिन प्रसन्ना, रवि काले और शैली किशोर मुख्य भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो बाली के रूप में है मनीष ऋषि, शैली किशोर, सावित्री बाली और गुमटी की मां के रूप में है बाली के भाई गुमटी के रूप में जाफर सादिक, बाली की बहन जयप्रदा के रूप में देवयानी शर्मा, युवा जय प्रसादा के रूप में है अनिशा दामा, मेरी जोसेफ के रूप में है लीना, कलावती के रूप में है कामाक्षी भास्करला, के मणिकंदन एक नक्सली के रूप में है, विजय कुमार के रूप में नितिन प्रसन्ना, इंस्पेक्टर नागी रेड्डी के रूप में रवि काले हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो श्रृंखला का फिल्मांकन मार्च 2022 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने कहा कि अभद्र भाषा, हिंसा और यौन सामग्री के उपयोग को देखते हुए दर्शकों को इसे अलग से देखने और हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह पारिवारिक दर्शकों को खुश करने के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य हिंदी के क्षेत्र में रहना है। सेक्रेट गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसे श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश जागरण ने भी इसे तरह की याद राय दी। अगर आपको मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शैतान आपके लिए है। साक्षी ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि भावनात्मक रूप से अच्छी कहानी के साथ श्रृंखला विजेता होती है। तेलंगाना टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि शैतान में कई दृश्य हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। OTT प्ले ने मिश्रित समीक्षा दी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस शो के बारे में
बहुत कुछ कहा जा रहा था। कि इस तरह के हिंसक शो और डार्क कमी कंटेंट को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए। 1-2-3 तेलुगु ने लिखा कि यथार्थवादी पृष्ठभूमि ठोस प्रदर्शन और पिछले कुछ एपिसोड इसके संपत्ति है, लेकिन शो अधिकांश भाग के लिए अत्यधिक पूर्वानुमानित है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में गहराई की कमी है। श्रृंखला की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स, इनाडू, एशियानेट न्यूज़ द्वारा भी की गई है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो श्रृंखला का प्रीमियर 15 जून 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।